अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह शहजाद बाजवा और इस वक्त मौजूद हूँ मैं सी व्यू पे। और सी व्यू पे क्या हालात हैं ज़रा देखते हैं। वहाँ से बैकग्राउंड में जो आप नज़र आ रहे हैं वहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है, आज फ्लावर एग्जीबिशन भी है, वो एरिया काफ़ी डेकोरेटेड हो चुका है, पार्क्स बनाई जा रही हैं और समंदर जो बेसिकली है पानी वो उस किनारे से आगे बहुत दूर तक पहुंच गए, किलोमीटर से ज़्यादा ही बन गया। तो अब पैदल आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फाइनली हम मौजूद हैं फिर सी व्यू जिसे कहते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द माहौल बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करने वाला है। कराची वालों के पास यही एक प्यारी चीज़ है, इर्द गिर्द देखें तो हर कोई अपनी धुन में मगन एंजॉय कर रहा है और यही इस शहर की खूबसूरती है। लेकिन इसे तबाह बर्बाद किया जाता है चोरी से, छीना छपटी से, वारदातों से, कत्लो गारत से। ये अगर रुक जाए तो मैं कहता हूँ कि इस जैसा पूरा अमन और रहाइश के काबिल शहर नहीं है। बहुत प्यारी जगह, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से देखे तो राइड का, और जो है बड़ा ज़बरदस्त। उसके अलावा जो है इधर ही आ जाए, ये है असल खूबसूरती हमारे सी व्यू की। और ऐसी खुशियां लोगों को बर्दाश्त नहीं होती कि कोई इतने प्यार से सुकून से एंजॉय कैसे कर सकता है। मुल्क भर से यहाँ लोग घूमने आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बस गुजारिश ये है कि कराची के माहौल को, यहाँ की अमन अमान को कायम रखें, लोग एंजॉय करते हैं और ये खुशियाँ हैं जो इंसान को ज़िंदा रखती हैं। ये तो मारने के लिए तो आपको एक गोली काफ़ी होती है, जो यहाँ कराची में बहुत सस्ती हो गई है और जान की कोई कीमत नहीं है। ये सी व्यू का बेसिकली वो दूर तक पहुँच गया है और 1 किलोमीटर तकरीबन बन गया है वहाँ से चल के यहाँ पाली तक पहुँचने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त। तो ये विज़िट है सी व्यू का और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। बेकारी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इनको ये है कि यहाँ पे जो भी आता है और जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाए, लेकिन शहर ऐसा है ये किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो दुआ कर रहे हैं ये ऐसे ही हंसता खुश रहे, फलता फूलता शहर रहे। हमारी सब की दुआएं इस अपने शहर के साथ हैं। और ये है हमारा सी व्यू और जहाँ पे आज हमने विज़िट किया है। तो सी यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त और बहुत बहुत शुक्रिया। पापड़ वाला भी हमारे पास आ गया, कहाँ से हो? कश्मीर वाले उत्तर जी। अरे वाह, कश्मीर से लोग भी यहाँ पे रोज़ी रोटी के लिए आते हैं। तो बस ये गुजारिश है कि एक शख्स जो इतने दूर घर बार से दूर अपनी रोज़ी रोटी के सिलसिले में आता है तो उसकी जान माल भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी ख्याल रखें और खदारा कत्लो गारत को बंद किया जाए और दिया जाए एक अच्छा माहौल ताकि हर कोई खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। सी व्यू पे एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है, पानी में खड़े होके जब ये लहरें आपसे टकराती हैं बहुत मज़ा आता है। ज़िंदगी का एहसास बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ने रखा है, तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास है कि ये लहरें जब आपसे टकरा के जाती हैं तो बहुत सारा पैगाम भी देती हैं। सनलाइट इस तरफ ज़्यादा है क्योंकि अभी दिन के 11 बजे हुए, तो 11 बजे ज़ाहिर सी बात है सनलाइट का रूट है। बैक एंड पे लोग इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है। तो अच्छा वीकेंड है, कोई ना कोई एक वीकेंड ऐसा निकाला करें जिसमें आप इंजॉय करें अपनी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी ऐसी रूटीन वर्क वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं। वो फ्लैग सामने नज़र आ रहा है जो एक आज़ाद रियासत होने का हमें सबक भी देता है और खुशी भी देती है कि वो झंडा जो लहरा रहा है उसी की वजह से आज हम अपनी आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, तो इसकी कदर करें। मैं वही बार बार मैसेज दे रहा हूँ कि कराची में आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और उसको दहशतगर्दी की भेंट ना चढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।